Hello friends, welcome to WiFiStudy.com, one-stop destination for all competitive exam presents daily, the Hindu vocabulary powered by Vocab24 app. So friends, let's see the first of the day, that is the asymmetry. Lack of equality or equivalence between parts or aspects of something. Okay, asymmetry. So, कोई भी चीज़ जो कि imbalance हो, बिल्कुल भी उसके अंदर दोनों चीज़ों में समानता ना हो, दोनों एक दूसरे से equivalent ना हो, उसको अपन बोलते हैं asymmetry. Okay, synonym में देखिए इसके imbalance, inequality, skewness या फिर unevenness. और antonyms है equality, balance, evenness and parity. So now let's see the example. Nobody trusts John as there is always an asymmetry between what he says and what he does. यानी कि कोई भी trust John के ऊपर trust नहीं करता है क्योंकि उसकी बातों में क्या होता है imbalance है. Okay, imbalance है क्योंकि क्या वो जो कहता है वो अलग होता है और जो वो करता है वो अलग होता है. तो देखते हैं इसके related word asymmetric. Asymmetric यानी characterized by symmetry in the spatial arrangement or placement of parts or components. Now let's see the trick. देखिए कितनी आसान trick है. जो नहीं है symmetry में वो है asymmetry. तो देखिए जो नहीं है symmetry में, जैसे देखिए इधर वाला part, left वाला part और right वाला part दोनों symmetry में है. ये देखिए यहाँ पे left वाला part और right वाला part बिल्कुल भी symmetry में नहीं है. Okay, तो ये क्या है? Asymmetry है. तो आपने ये word symmetry तो बहुत सुना होगा, mathematics के अंदर भी सुना होगा, बहुत common सा word है. तो इसके आगे जब a लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? असमानता वाली चीज़ बन जाएगी, imbalance बन जाएगा. ओके, तो जो नहीं है symmetry में वो क्या है? Asymmetry है. यानी कि वो क्या है? Lack of equality or equivalence between parts or aspects of something. तो इस तरीके से अपन इसको easily याद कर सकते हैं. जो नहीं है symmetry में वो है asymmetry. देखते हैं next. Fraught of a situation or course of action filled with something undesirable. Figuratively भारयुक्त. तो कोई भी चीज़ जो कि full of होती है, laden होती है, भरी हुई होती है, उसको अपन बोलते हैं fraught. ओके, देखिए synonyms. Full of, filled with, किसी चीज़ से भरी हुई हो, swarming with या फिर rife with, और charged with, loaded with. और antonyms देखिए devoid या फिर empty. यानी कि अगर कोई चीज़ खाली है तो वो उल्टा है किसके? Fraught के. Now let's see the example. The treasure hunt was fraught with puzzles that had to be solved in order to find the fortune. यानी कि जो treasure hunt था वो भर रखा था puzzles के साथ में और उनको solve करने के ऊपर ही आप अपना fortune ढूंढ सकते हो. Now let's see the trick. देखिए कितनी आसान trick है. अगर आपको किसी को लड़ाई करनी है, fight करनी है, तो simple से बात है आप में गुस्सा होना चाहिए. जब तक अगर आप में गुस्सा नहीं है, अंदर एक anger नहीं है, तब तक आप इतना अच्छा नहीं लड़ पाओगे जितना normally लड़ सकते थे. Okay? तो देखिए फ्राइट के लिए फ्रॉट होना चाहिए गुस्से से. अगर फाइट करनी है, जैसे WWF के रेसलर्स, WWE के रेसलर्स को आपने देखा होगा, हालांकि जो थंडर मार्क्स लड़ता है वो ज़्यादा बेनिफिट में रहता है हमेशा, लेकिन अगर आपने WWE देखी होगी तो वहाँ देखा होगा कि जो भी प्लेयर आते हैं एंट्री करने के, जो भी लड़ाई करने, वो कितने जोश में होते हैं, कितने गुस्से में होते हैं. ओके, तो इसी तरीके से अपन इसको रिलेट करते हैं कि फाइट के लिए फ्रॉट होना चाहिए गुस्से से. तो देखिए फाइट और फ्रॉट दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं. तो फाइट के लिए फ्रॉट होना चाहिए गुस्से से. तो अगर आप गुस्से से भरे हुए हो तो आप फाइट कर लोगे आसानी से. ओके, तो फाइट और फ्रॉट दोनों ही देखिए एक जैसे हैं. इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं. देखते हैं नेक्स्ट. अपोक्रिपल ऑफ ए स्टोरी और स्टेटमेंट ऑफ डाउटफुल ऑथेंटिसिटी ऑल दो वाइडली सर्कुलेटेड एज बींग ट्रू. संदिग्ध प्रामाणिक. तो कोई भी चीज़ जो कि ऑथेंटिक हो या नहीं हो उसका पता नहीं चलता, लेकिन सभी लोगों को ऐसा लगता है कि वो सच है, उस चीज़ों को अपन बोलते हैं अपोक्रिपल. ओके, संदिग्ध प्रामाणिक. तो जिनको प्रमाणिक करने वाला कोई नहीं है और वो संदिग्ध हो. सिनोनिम देखिए फिक्टिशियस, अनट्रू, फैब्रिकेटेड, फॉल्स या फिर स्पूरियस. ओके, और एंटोनिम से ट्रू, ऑथेंटिक या फिर डाउटफुल. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फिक्टिशियस वर्ड आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब ये आर्टिफिशियल होता है, जो चीज़ झूठ होती है उसका होता है. और साथ में ये वर्ड भी ध्यान रखना है, स्पूरियस. तो ये दोनों वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल. रदर देन रिसर्च फॉर द ट्रूथ अबाउट हिस्ट्री मैनी इंडिविजुअल्स सिंपली एक्सेप्ट अपोक्रिपल लेजेंड्स. यानी कि कोई रिसर्च करने में के करके तुरंत पता करने के बजाय बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि सिंपली जो संदिग्ध प्रमाण है उनके हिसाब से लेजेंड को एक्सेप्ट कर लेते हैं. नाउ लेट्स सी द रिलेटेड वर्ड अपोक्रिफिया यानी कि अप्रामाणिक. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. देखिए ऊपर से पका फल गिरते थे, ये अपोक्रिपल स्टोरी है. तो देखिए ऊपर से पका फल, देखिए ऊपर से पका फल गिरते थे, ये कैसी स्टोरी है? अपोक्रिपल स्टोरी है, क्योंकि ऐसे पक्के पक्के फल तो ऊपर से इतने गिर नहीं सकते. ओके, बिल्कुल. तो इस तरीके से अपन इसको याद कर रहे हैं कि ऊपर से पका फल गिरते थे, ये अपोक्रिपल स्टोरी है. तो अपोक्रिपल, ठीक है, इस तरीके से अपन इसको इजीली याद कर सकते हैं. तो अपोक्रिपल का मतलब क्या हुआ? कोई भी स्टोरी बनाना, स्टेटमेंट बनाना जो कि डाउट हो, जिसमें ऑथेंटिकेट नहीं हो. ऊपर से पका फल गिरते थे, ये अपोक्रिपल स्टोरी है.
और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और वीडियोस और कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आपके आने वाले एग्जाम के लिए। देखते हैं नेक्स्ट। राइल, मेक समवन अनॉयड और इरिटेटेड, तो किसी को चिढ़ाना, किसी को परेशान कर देना, उसको अपन बोलते हैं राइल। सिनोनिम देखिए, इरिटेट, अनॉय, वैक्स, प्रोवोक, ऑफेंड एंड अफ्रॉन्ट। तो अफ्रॉन्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एंटोनिम्स देखिए, काम, कंफर्ट, डिलाइट, अपीस एंड प्लैकेड। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। वन श्योर वे टू राइल मी इज टू कीप येलिंग फॉर मी। तो एक ही तरीका है जो कि मेरे को चिढ़ा सकते हो, जिससे कि आप मेरे क्या करो, कीप रेलिंग फॉर मी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेरे को हमेशा चिढ़ा सकते हो। वर्ब फॉर्म देखिए, राइल, राइल्ड एंड राइल्ड। ओके, नाउ लेट्स सी ट्रिक। देखिए कितनी आसान ट्रिक है। मैं राइल को रेल से कनेक्ट कर रहा हूँ। रेल का लेट आने का सिस्टम हमें राइल लगता है। तो रेल और राइल देखिए दोनों कितने सिमिलर वर्ड्स हैं। तो आप हमेशा देखिए, कभी भी आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ट्रेनें लेट होती हैं, और तब लेट होती है तब आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होता है कि मैं टाइम पर पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा। तो रेल को मैं राइल से लेट कर रहा हूँ। रेल और राइल दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। ओके, कि रेल का लेट आने का सिस्टम हमें राइल करता है। राइल यानी कि इरिटेट करता है। देखते हैं नेक्स्ट। मेनस्टे, समवन और समथिंग ऑन विच समथिंग एल्स इज बेस्ड और रिलाइज। मुख्य धारा होना, तो कोई भी चीज़ जो कि मुख्य धारा में है, मेन स्टे में है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है, उसको अपन बोलते हैं मेन स्टे। सिनोनिम देखिए, सेंटर पीस, कॉर्नर स्टोन, बैकबोन या फिर बुलवाक। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। और एंटोनिम्स वीकनेस या फिर पावरलेसनेस। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। माय मदर हैज ऑलवेज बीन द मेन स्टे ऑफ आर फैमिली, यानी कि मेरी मदर हमेशा ही मुख्य धारा रही है मेरे परिवार की। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। देखिए, हीरो मेन जगह स्टे करते हैं क्योंकि वो मेन स्टे होते हैं। तो देखिए, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, कोई भी हीरो होगा तो ये हीरो कहाँ स्टे करते हैं, मेन जगह पर स्टे करते हैं, मेन जगह पर, क्योंकि ये कैसे होते हैं, मेन स्टे होते हैं ये। ओके, मुख्य धारा होती है, एक मूवी के लिए इनके पास ऊपर करोड़ों रुपये लगा हुआ होता है। तो हर हीरो मेन जगह पर स्टे करते हैं क्योंकि वो मेन स्टे होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। स्मॉथर, टू स्टॉप और प्रिवेंट द ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ, तो रोकना या फिर किसी भी चीज़ को दबाना, किसी को गला दबा देना, किसी को आगे बढ़ने से रोक लेना, इन सभी चीज़ों को बोलते हैं स्मॉथर। सिनोनिम देखिए, कॉश, क्वाल, ओवरवेलम, सप्रेस या फिर सपोगेट। और एंटोनिम से एंकरेज, अलाउ एंड फ्री। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैव मोस्टली स्मॉथर्ड द एग्रीकल्चर ग्रोथ, यानी कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज है उन्होंने ज़्यादातर क्या कर दिया, दबा दिया है, गला दबा दिया है, रोक दिया है किसको, एग्रीकल्चर ग्रोथ को। तो देखते हैं इसकी फ्रेंड्स वर्ब फॉर्म, स्मॉथर, स्मॉटर्ड एंड स्मॉटर्ड। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान ट्रिक है। मदर ने बेबी को स्मॉटर किया, तो मदर और स्मॉटर देखिए दोनों ही वर्ड कितने सिमिलर हैं। ओके, तो मदर ने बेबी को क्या किया, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कई बार ऐसा होता है कि परेशान हो कि एक मदर ने बच्चे का गला दबा दिया। ओके, तो उसी तरीके से अपन इसको रिलेट कर रहे हैं कि मदर ने बेबी को स्मॉटर किया। तो स्मॉटर का मतलब क्या हुआ, रोक देना, उसको सप्रेस कर देना, दबा देना। ओके, तो मदर और स्मॉटर देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड है, सिर्फ एस का डिफरेंट है। ओके, तो मदर ने बेबी को स्मॉटर किया, स्मॉटर किया कि यानी कि उसको स्टॉप कर दिया, उसको रोकना किसी चीज़ को, स्क्वाश कर देना। इग्नोमिनी, डिसग्रेसफुल और डिसऑनरेबल कंडक्ट, क्वालिटी और एक्शन, प्रतिष्ठा या फिर अपकृति, यानी कि कोई भी जो बहुत ही बुरा काम है, डिसऑनरेबल है, कंडक्ट है, क्वालिटी किसी काम की, किसी का एक्शन, तो इन सभी चीज़ों को जो कि बहुत बेकार होती है, इनको अपन बोलते हैं इग्नोमिनी। सिनोनिम देखिए, ह्यूमिलिएशन, मॉर्टिफिकेशन, डिसग्रेस, डिसऑनर, स्टिग्मा, डिग्रेडेशन, इन फैमिली या फिर इन डिग्निटी। और एंटोनिम्स है प्रेस्टेज, डिग्निटी या फिर ऑनर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इन वर्ड का इंपॉर्टेंट का ध्यान रखना, ह्यूमिलिएशन का, मोर्टिफिकेशन का, स्टिग्मा का, ओके, इन फेमी का, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। आगे भी अपन इनको वापस से कवर अप करेंगे, ओके, जब भी आर्टिकल के अंदर आएगा, लेकिन अभी आप इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं। एंटोनिम्स मैंने आपको बता दिए। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द इनक्रिमिनेटिंग पिक्चर्स ब्रॉट इग्निमिनी टू द सेलिब्रिटी, यानी कि जो इनक्रिमिनेटिंग पिक्चर्स, जो बेकार पिक्चर थी, वो क्या लेके आई, बहुत ही डिसग्रेसफुल लेके आई, किसके लिए, सेलिब्रिटी के लिए। अब इसके रिलेटेड वर्ड देखिए, इग्नोमिनियसली यानी कि तिरस्कार पूर्वक, और इग्नोमिनियस यानी कि अपकृति कर। देखिए अब ट्रिक देखिए, इतना ईगो रखना इग्नोमिनी समझा जाता है। तो इतना ईगो रखना, तो अगर आप में ईगो बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या समझा जाएगा, इग्नोमिनी समझा जाएगा, यानी कि आपको समझा जाएगा कि आपको कोई एक्ट करना ही नहीं आता, हमेशा आप डिसऑनर करते हो दूसरों को, दूसरों की क्वालिटीज़ को, एक्शन को। तो इस तरीके से अपन ईगो को रिलेट कर सकते हैं इग्नोमिनी से, कि इतना ईगो रखना इग्नोमिनी समझा जाता है, यानी कि बहुत बुरा समझा जाता है। ह्यूमिलिएशन देखिए फ्रेंड, दोनों ही वर्ड सेम है, जैसे कि मैंने आपको इग्नोमिनी बताया था उसका भी वैसे ही सेम है, ये भी ह्यूमिलिएशन भी। द एक्शन ऑफ ह्यूमिलिएटिंग समवन और द स्टेट ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड, तो मानहानि का जब अपन दावा करते हैं किसी के ऊपर, या किसी, देखा होगा आपने अरविंद केजरीवाल, गडकरी और साथ में
अरुण जेटली सभी के ऊपर केस किया था अरुण केजरीवाल ने, तो उनको रेपुटेशन ख़राब हुई थी, तो उन्होंने क्या किया था, मानहानि का दावा किया था, क्योंकि उनको फिजिकली मेंटली बहुत प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने क्या किया था, ह्यूमिलिएशन का केस कर दिया। ओके, क्योंकि अगर किसी कंपनी में भी किसी कुछ हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, उसको ज़्यादा काम कराया जा रहा है, तो वो भी ह्यूमिलिएशन का केस कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसके सेंटेंस। एम्बेरसमेंट, मॉर्टिफिकेशन, शेम, इंडिग्निटी, इग्नोमिनी, डिसग्रेस, या फिर डिसऑनर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया इग्नोमिनी, क्योंकि अपन ने पहले ही तो कवर अप किया है। ओके, ज़्यादा ईगो रखने पे इग्नोमिनी समझा जाता है, इससे अपन ने इसको रिलेट किया था। एंटोनिम्स का एस्टीम, ऑनर, रेस्पेक्ट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। एलिस वॉज टायर्ड ऑफ डीलिंग विद द ह्यूमिलिएशन ऑफ हैविंग ए चीटिंग स्पॉन्स, सो ही फाइल्ड फॉर डिवोर्स। यानी कि एलिस ने क्या किया, परेशान हो गई थी डील करते करते इस ह्यूमिलिएशन से, मानहानि से, जो उसके पति चीट कर रहे थे, तो उन्होंने फाइनली क्या किया, डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। नाउ लेट्स सी द वर्ब फॉर्म्स, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएटेड एंड ह्यूमिलिएटेड। अब इसके रिलेटेड वर्ड है ह्यूमिलिएट, यानी कि अपमानित करना। ओके, अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए, ह्यूमन को राशन नहीं मिला तो उसने ह्यूमिलिएशन का केस कर दिया। तो ह्यूमन को क्या, जैसे मान लीजिए जो राशन की दुकान है, आपको सभी को पता है, जो बीपीएल के लोग होते हैं उनके लिए होती है, और उन सभी को खाना मिलता है। तो किसी ह्यूमन को अगर राशन नहीं मिला तो कौन सा केस करेगा, ह्यूमिलिएशन का केस करेगा, क्योंकि उसको वो खाना नहीं मिला, उससे उसको फिजिकली मेंटली काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, और वो काफ़ी उसको इसी से नुकसान हुआ। तो इस तरीके से आप उसको वो केस कर सकते हैं, और इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं आसानी से, कि ह्यूमन को राशन और ह्यूमिलिएशन, देखिए दोनों ही वर्ड कितने सिमिलर हैं। वैसे तो ये बहुत इजी वर्ड है फ्रेंड, आप इसको वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से देखेंगे तो और आसानी से हो जाएगा, कि ह्यूमन को राशन नहीं मिला तो उसने ह्यूमिलिएशन का केस कर दिया, यानी कि मानहानि का केस कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट, फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब है इंटेंस हैप्पीनेस, आनंद अनुभूति। तो जब आपको बहुत खुशी महसूस हो रही हो, हैप्पीनेस महसूस हो रही हो, आनंद की अनुभूति हो रही हो, उसको अपन बोलते हैं फेलिसिटी। सिनोनिम देखिए इसके, हैप्पीनेस, जॉय, रैप्चर, ब्लिस, यूफोरिया एंड डिलाइट। और एंटोनिम्स है डिसप्लेजर, डिससेटिस्फैक्शन, या फिर ग्लूम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे यूफोरिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में कई बार रिपीट होता है, और ये वर्ड अपन ने पहले कवर अप भी किया था, जिसको अपन ने रिलेट किया था पलासन का जो बैंड है यूफोरिया से, कि यूफोरिया के गाने सुन के हमें यूफोरिया महसूस होता है, यानी कि बहुत आनंद महसूस होता है, बहुत हैप्पीनेस महसूस होती है। इस तरीके से अपन इसको रिलेट किया था। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। द बॉय स्माइल्ड विद द फेलिसिटी विथ हिज ड्रीम गर्ल एग्रीड टू हैव कॉफी विथ हिम। यानी कि बॉय ने बहुत स्माइल किया और उसे आनंद की अनुभूति हुई जब उसकी ड्रीम गर्ल ने एग्री कर लिया उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए। अब देखते हैं इसकी वर्ब फॉर्म्स, फेलिसिटेड, फेलिसिटेटेड एंड फेलिसिटेटेड। और उसके रिलेटेड वर्ड है फेलिसिटेड, यानी कि एक्सप्रेस कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखते हैं इसके ट्रिक, देखिए कितनी आसान ट्रिक है। जयपुर सिटी में फैला है फेलिसिटी, जयपुर सिटी में फैला है फेलिसिटी। देखिए फैला से फैला, सिटी से सिटी, तो जयपुर सिटी में, देखिए अगर आपने जयपुर ट्रैवल किया होगा तो बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और काफ़ी अच्छे फोर्ट्स, ग्रीनरी आपको लिए सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे सिटी में। तो इस तरीके से अपन इसको इजीली याद कर सकते हैं, कि जयपुर सिटी में फैला है क्या, हैप्पीनेस। ओके, जयपुर सिटी में फैला है फेलिसिटी, फेलिसिटी यानी कि आनंद, हैप्पीनेस, जॉय। ओके, इस तरीके से अपन सिटी को अपन फेलिसिटी से रिलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी अनदर वन, निगेट, मेक इनएक्टिव या फिर इन इफेक्टिव, बेअसर करना। तो किसी भी चीज़ को बेअसर करना, उसको नलीफाई करना, उसको अपन बोलते हैं निगेट करना। सिनोनिम देखते हैं इनवैलिडेट, नलीफाई, मेक इनइफेक्टिव या फिर न्यूट्रलाइज। और एंटीनम से वैलिडेट, इंस्टीट्यूट या फिर अपहोल्ड। नाउ लेट्स द एग्जाम्पल, हैविंग आर लगेज स्टोलन डिड नॉट निगेट द फैंटास्टिक टाइम वी हैड ऑन आर क्रूज। यानी कि जो हमारा जो लगेज खो गया वो बेअसर नहीं कर सकता हमारे उस टाइम को, जब वो जिस टाइम को हमने क्रूज पे इंजॉय किया। अब इसकी वर्ब फॉर्म से देखें, निगेट, निगेटेड एंड निगेटेड। और देखिए इसकी ट्रिक, देखिए कितनी आसान है। घर पे बड़ा गेट लगाकर चोरों को निगेट किया। तो अगर आप घर पे इतना बड़ा गेट लगा देंगे तो आप क्या कर देंगे, चोरों को निगेट कर देंगे, यानी कि चोरों को बेअसर कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से अपन गेट को और निगेट को रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो गेट को मैंने किससे रिलेट किया, निगेट से, यानी कि अगर घर पे बड़ा गेट लगाकर चोरों को निगेट किया, यानी कि चोरों को बेअसर किया, इन इफेक्टिव किया, अब वो चोरी नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वापस अपन इन सभी वो कैप्स को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको इजीली याद हो जाए। अपना आज का पहला वर्ड था एसिमेट्री, जिसका मतलब होता है इम्बैलेंस। सेकंड था फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब कोई भी चीज़ से फुल ऑफ हो, लदी हुई हो, फिल्ड विथ हो, ओके, भारयुक्त हो। अपोक्रिपल था, जिसका मतलब है संदिग्ध, प्रमाणिक, यानी कि आपने कोई ऑथेंटिकेट या फिर डाउटफुल चीज़ें जो प्रूव कर जो दी हैं उसको अपन बोलते हैं अपोक्रिपल। राइल यानी कि अनॉय होना, गुस्सा होना, चिड़चिड़ा होना।
मेनस्टे मुख्य धारा होना, किसी भी चीज़ का जो किसी मूवी का जो मेन हीरो है वो क्या है, मेनस्टे होता है उस मूवी का। स्मॉटर करना यानी गला दबाना, किसी चीज़ को बढ़ने से रोकना, किसी चीज़ को दबा देना, उसको बोलते हैं स्मॉटर। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का मतलब होता है अप्रतिष्ठा, किसी से डिसऑनर से बात करना, क्वालिटी हो कोई डिसऑनेस्ट वाली, डिसग्रेसफुल वाली कंडक्ट हो, एक्शन हो, उसको बोलते हैं इग्नोमिनी। ह्यूमिलिएशन यानी कि मानहानि, द एक्शन ऑफ ह्यूमिलिएटिंग समवन और द स्टेट ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड। फेलिसिटी इंटेंस हैप्पीनेस आनंद अनुभूति। और आखिरी वर्ड था निगेट, जिसका मतलब है मेक इनइफेक्टिव, बेअसर करना, किसी चीज़ को नलीफाई करना। ओके सो फ्रेंड, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि हमने 10th मार्च को पूछा था। सेलेक्ट द वर्ड विच इज द मोस्ट सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ओके तो वैलिडिटी ये वर्ड था और यहाँ पे फ्रेंड्स जो सही आंसर है वो कई वो बहुत लोगों ने सही दिया। इसका मतलब है इंक्लिनेशन, झुकाव। ओके किसी तरफ का अगर कोई झुकाव होता है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है, तो अपन उसको बोलते हैं वैलिडिटी। सो फ्रेंड्स वापस डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज का। सेलेक्ट द वर्ड विच इज द मोस्ट सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपके सामने एक वर्ड है शैग्रिन और इसका आपको मोस्ट सिमिलर वर्ड बताना है। ओके ये वर्ड अपन ने कुछ दिन पहले भी कवर अप किया था फ्रेंड, उस टाइम पे ये आपके ऑप्शन में था और अभी ये मेन स्टे में है। ओके तो देखते हैं आप इसमें से कौन सा ऑप्शन पिक करते हैं। एंड फ्रेंड्स यू नीड टू गिव द आंसर वाई कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो, वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर। एंड फ्रेंड्स इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल नाउ देन क्लिक ऑन दिस लोगो टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली वीडियोस एंड फॉर डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, वोकैब्स एंड क्विज। डाउनलोड Vocab24 ऐप नाउ। एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड गिव योर फीडबैक वाई कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम, होप यू लाइक दिस वीडियो।